गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रही है गॉसेस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन। जो लास्ट एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम की, वो है यूजिंग गॉसेस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑन द और इनसाइड द हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। बेटा लास्ट एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन हमने इससे पहले की, तो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 3। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग पहले वो देख लीजिए। ये एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। इस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल हॉलो है, अंदर से खाली है बेटा, जैसे बॉल है। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, हर साइड से बेटा इस पर चार्ज है, ठीक है बेटा। हॉलो स्फेरिकल शेल, मान लीजिए इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है कैपिटल आर, वो मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। ये है हॉलो स्फेरिकल शेल जिस पर चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, हर साइड से चार्ज है, ठीक है बेटा। अच्छा, आप लोगों को तीन केसेस है। ये स्फेरिकल शेल है, एक पॉइंट पी यहां पर है, दिस पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, पॉइंट पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है। आपको पहले केस में निकालना है पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इस पॉइंट को उठा के दूसरा केस बनेगा इसी स्फेरिकल शेल पर पी रखना है, इसी शेल पर पॉइंट पी को रखना है, दैट इज ऑन द स्फेरिकल शेल। फिर बेटा इसके अंदर हमें एक पॉइंट लेना है जिसको बोलते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अंडरस्टैंड करो, तीन केसेस है। एक है बेटा ये है स्फेरिकल शेल, पॉइंट पी आउटसाइड है, हमें निकालना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी बारी करना है इस पॉइंट पी को यहां से उठा के स्फेरिकल शेल के ऊपर रखना है, ये दूसरा केस है। और तीसरे केस में हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी को शेल के अंदर लेना है बेटा, ठीक है। इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यह है आज का बेटा क्वेश्चन। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो स्फेरिकल शेल है ये हॉलो है, अंदर से खाली है, बरी नहीं है, सॉलिड स्फेरिकल शेल नहीं है, दिस इज हॉलो स्फेरिकल शेल। एंड हमें गॉसेस थ्योरम यूज करनी है टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है बेटा, ऑन द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। एक पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट इसके ऊपर है, और एक पॉइंट इससे बाहर है। तीनों केसेस में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यह है क्वेश्चन हॉलो स्फेरिकल शेल में, हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है बेटा। हर कोई पार्ट करेंगे एक एक करके, वो आप लोगों को मैं समझाऊंगा एक एक करके, सब पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले इधर देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ये देख लीजिए, दिस इज हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, प्लस क्यों चार्ज है इस पर बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऐसे, ऐसे, ठीक है बेटा। दिस इज हॉलो स्फेरिकल चार्ज्ड शेल। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस जो है इट इज कैपिटल आर, ठीक है बेटा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस कितना रखा हमने कैपिटल आर, और इस पर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव पॉजिटिव हर साइड से,
प्लस क्यू। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, दिस चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्फेरिकल शेल, इट कैन बी ट्रीटेड टू बी कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये हम ट्रीट भी कर सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये हम कंसिडर करेंगे, ये ट्रीट इट इज कंसेंट्रेटेड एट सेंटर, ये भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले केस फर्स्ट में पॉइंट पी लेना है बेटा हमें, केस फर्स्ट में पॉइंट पी लेना है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। पी लाइज, पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है बेटा, पी लाइज आउटसाइड। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, दिस शेल इज हॉलो एंड लेट प्लस क्यू बी द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट सरफेस, देन इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, यहां पर मैं बता के रखता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, वेयर एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सरफेस स्फीयर, हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr², 4πr² इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने नोट करके रखा है बेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, केस फर्स्ट में पॉइंट पी लेना है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ये मैंने पॉइंट पी लिया। ठीक है, दिस पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, इन दिस केस व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, उस वक्त ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बेटा बड़ी है। कब, व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जब पॉइंट पी लाई करेगा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब देखो बेटा, पहला केस है, वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल से पॉइंट पी बाहर है बेटा, ये मैंने स्फेरिकल शेल ले ली और ये पॉइंट हमने बाहर लिया, तो पहले हमें देखना है पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, ये है पहला केस। ठीक है बेटा, आप सबको पता है व्हाइल यूजिंग गॉसियस थ्योरम वी हैव टू डेवलप ए गॉसियन सरफेस, हमें गॉसियस थ्योरम यूज करने के लिए एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है बेटा, ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाई जिस पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, ये इमेजिनरी सरफेस है, मैंने हमेशा बताया गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं टू बी ट्रीटेड एट इट इज सेंटर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ आएगी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है बेटा, अब एक और पॉइंट बताता हूं, मैंने बताया ये जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये ट्रीट कर सकते हो टू बी ट्रीटेड एट इट इज सेंटर, ये आप कंसीडर कर सकते हो कि ये सेंटर पर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर। अच्छा, ये तो मिल गया, गॉसियस थ्योरम में हमें चाहिए होता है डीएस, डीएस बनाने के लिए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट हम हमेशा की तरह काटेंगे, इस एलिमेंट पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये छोटा सा एलिमेंट अभी तो डीएस है, लेकिन जब नॉर्मल ड्रा किया तो ये बन गया डीएस वेक्टर।
ठीक है बेटा, ई और डीएस एक ही डायरेक्शन में है इसलिए थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ये भी पता है आपको, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, सब पहले से ही बता के रखा है। अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, शाबाश बेटा, केस फर्स्ट में गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। गॉसेस थ्योरम पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस हो गया, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ऐसे भी लिख सकती है, फाइ ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, ये गॉसेस थ्योरम है। ठीक है बेटा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दो में से एक लिखेंगे, ई डॉट डी एस का मतलब हो गया ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ई डॉट डी एस हो गया ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है यहां पर बेटा जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, कॉस जीरो कितना होता है बेटा, पहले से बता के रखा है कॉस जीरो डिग्री होता है वन, तो यहां पर लगा दीजिए वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट ई डी एस कॉस जीरो हो गया वन इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, ई को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन करेंगे डी एस की, हो गया वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, वायर एस एस जो है इट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर बेटा, सरफेस एरिया ऑफ, कंफ्यूजन दूर करना, गॉसियन स्फीयर तो ये वाला है, ये तो स्फेरिकल शेल है, ये तो इमेजिनरी सरफेस है, ये वाली जो बाहर वाली है गॉसियन स्फीयर तो बाहर वाला है। ठीक है बेटा, जिस पर आप लोग स्मॉल एलिमेंट लेते हो, तो बाहर वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है बेटा, एस होगा 4 पाई, इसका रेडियस है स्मॉल आर, हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या बन गया, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर एस के बजाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। ठीक, अंडरस्टैंड, शाबाश बेटा, इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लाएंगे, ये हो गया ई इज इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई, फिर साथ में जोड़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, ये वाला क्यों अलग लिखेंगे, अपॉन करेंगे आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बेटा केस फर्स्ट इसी के साथ खत्म हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, पी लाई करता है आउटसाइड, जब पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये केस फर्स्ट है बेटा, अंडरस्टैंड। नाउ द सेकंड केस, केस सेकंड, केस सेकंड में पी कहां पर लाई करेगा बेटा, ऑन द स्फेरिकल शेल, पी कहां पर करेगा लाई, ऑन द स्फेरिकल शेल, इसका मतलब हो गया पी यहां से उठा के यहां पर रखना पड़ेगा हमें, पी यहां पर रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया, अगर आप लोग इससे पहले एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो केस फर्स्ट का, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी पर लिख सकते हो बाद में। देन इन केस सेकंड वी हैव टू टेक दिस पी
ऑन द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के ऊपर। अब बॉल के ऊपर ये शेल जो है इसके ऊपर बेटा पॉइंट रखना है, अभी तो बाहर था केस फर्स्ट में, अब इसके ऊपर रखना है पॉइंट, याद रखा बेटा इसके ऊपर रखना है पॉइंट, अभी तो शेल के बाहर था। अब नाउ टेक दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है ये सारा का सारा बेटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पी को हमने कहां पर रखा, ऑन द स्फेरिकल शेल, पी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, पी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, ठीक है बेटा। ये जो पी है लाई करता है ऑन द स्फेरिकल शेल, ठीक। अब अंडरस्टैंड करो, मैंने बताया हुआ है गॉसियन थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है। गॉसियन सरफेस इस वक्त सबसे पहले पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि चार्ज हम कंसीडर करेंगे दैट इज कंसेंट्रेटेड ऑन इट इज सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ फिर से होगी, बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब हमें एक छोटा सा एलिमेंट काटना है इस पर, जिसको आप लोग बोलोगे नहीं, उससे पहले एक गॉसियन सरफेस हम ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस तो इसी पर आएगी बेटा, स्फेरिकल शेल पर ही गॉसियन सरफेस भी आएगी, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, वो कितना लेना पड़ता है, ds। ds को जब नॉर्मल ड्रा करेंगे n कैप, तो ये बनेगा ds वेक्टर, ठीक है बेटा। यहां तक समझ आया कि नहीं? अब इस केस में ये तो यहां O से P तक है R, इसका मतलब इन दिस केस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि पॉइंट P लाई करता है स्फेरिकल शेल पर, स्मॉल r और कैपिटल R इस वक्त बराबर है, ठीक है। अभी आप लोगों ने किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेशन फर्स्ट से, पॉइंट P, जब पॉइंट P लाई करता था आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, वहां पर आया 1/4πε0 शबाश बेटा q/r2। ये तब निकाला था हमने जब पॉइंट P बाहर था, लेकिन इस वक्त पॉइंट P किस पर है, ऑन द स्फेरिकल शेल। इन दिस केस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इस केस में स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R, शाबाश बेटा बिल्कुल फिट। आप लोग बता दीजिए E क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी P पर, 1/4πε0 q/R2, याद रखा बेटा। अब ये मैंने निकाल के रखा है, सिग्मा किसके बराबर, q/4πr2, इसमें ये हमने पहले ही रिलेशन निकाल के रखी है। इस 4πr2 चार्ज, ये इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया इस गॉसियन स्फीयर का, 4q/4πr2 इसका शेल का सरफेस एरिया। तो Q किसके बराबर हुआ बेटा, सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr2, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इस सेकंड इक्वेशन से Q का वैल्यू इसमें लगा दीजिए, शाबाश, क्योंकि अब ये जो Q है, Q कितना है इस पर वो पता चलेगा इससे, E इज इक्वल टू 1/4πε0, शाबाश बेटा। क्यों के बजाय क्या लगाएंगे, सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr2 ये अपॉन, ठीक है बेटा, कितना 4πr2 अपॉन कैपिटल R2, ये वाला क्यों के बजाय मैंने लगाया, ये R2 कैंसल, 4π कैंसल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन
epsilon naught. This is equation number third. Beta, this is the required expression. ये required expression है electric field intensity का जब point P lie करेगा on the spherical shell. याद रखना, ये है electric field intensity का expression जब point P outside the spherical shell था. दूसरा केस मैंने दिखाया जब पॉइंट पी लाई करता है इनसाइड ये ऑन द स्फेरिकल शेल. तो ये याद रखना है आप लोगों को. दो पॉइंट्स आप लोगों को मैंने अभी तक बताए, आउटसाइड ई का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2, ये आ गया. On the spherical shell, आ गया ये is equal to σ/ε0. अब देखना है हमें inside the spherical shell कितना बनेगा, अब थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. ठीक है, देख लीजिए. तो ये वाला अभी भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां पर ताकि आप लोग रफ वर्क कर सके. नाउ द थर्ड पार्ट, इधर देख लीजिए बेटा. थर्ड पार्ट करने के लिए और थर्ड पार्ट इज पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल. पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल बेटा, ये हमें मिटाना पड़ेगा. अब मैं आप लोगों को डायग्राम यहां पर बना के देता हूं. पॉइंट पी लाई करता है, शाबाश बेटा, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट्स हमें चाहिए. अब ये वाले पॉइंट्स, सबसे पहले ये स्फेरिकल शेल है, दिस इज द स्फेरिकल शेल. प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट सरफेस. प्लस क्यू चार्ज जो है बेटा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे सरफेस पर. इस स्फेरिकल शेल जो हॉलो है इसका रेडियस है कैपिटल आर. ठीक है, दो केसेस किए हमने अभी तक. पॉइंट पी को हमने बाहर रखा, फिर पॉइंट पी को ऑन द स्फेरिकल शेल रखा. इस वक्त बेटा पॉइंट पी है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, पॉइंट पी बेटा अंदर है. ठीक है, इस पॉइंट पी, ये जो गॉसियन सरफेस है इस वक्त बेटा ये अंदर है. गॉसियन सरफेस तो ये है, इसका रेडियस जो है बेटा आर जो है आर इज लेस देन कैपिटल आर. जो स्मॉल आर है ये लेस देन है कैपिटल आर. अगर हम इस वक्त बेटा गॉसियन सरफेस लेंगे तो इस पर स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा. ठीक है, अब सुनो. पॉइंट पी लाई करता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, बाहर नहीं है. चार्ज कहां पर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन इट सरफेस. अंदर कोई भी चार्ज नहीं है शेल के अंदर. ठीक है, अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, शाबाश बेटा, तीसरा पॉइंट है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए. गॉसियस थ्योरम बोलती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बराबर 1/ε0 Q. ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर या इस स्फेरिकल शेल के अंदर क्या कोई चार्ज है, नहीं है. चार्ज तो बाहर है ऑन इट सरफेस, अंदर तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है. सिंस चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो, कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है बेटा. क्यों, तो अंदर जीरो है.
चार्ज तो सरफेस के अंदर सरफेस के ऊपर है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए क्यों क्या है जीरो, इसलिए ये क्या बन गया E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई जीरो. दिस इंप्लाइज दैट E डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो. मगर डी एस जो है ये होता है डी एस तो एरिया एलिमेंट है, ये तो कभी जीरो नहीं होता है, मैग्नीट्यूड डीएस का कभी भी जीरो नहीं होता है. दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड कितना होगा बेटा जीरो. याद रखिए तीन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाता हूं. जब पॉइंट पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल था, जब बाहर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई. जब ऑन द स्फेरिकल शेल था तब इज इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट आया. जब इनसाइड द स्फेरिकल शेल आया तो जब चार्ज ही अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा जीरो. याद रखिए तीनों केसेस मैंने अच्छी तरीके से समझाया आप लोगों को, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल और ऑन द स्फेरिकल शेल, तीनों केसेस में. आप इधर सुनिए, इसका ग्राफ बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ इसका. इधर सुनो, ये है ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में आप लोग देख लीजिए, मैं यहां पर बताता हूं. फर्स्ट पॉइंट, जब पॉइंट पी व्हेन पी लाइज इनसाइड स्फेरिकल शेल ई होता है जीरो, ठीक है. सेकंड, जब व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, जब स्फेरिकल शेल के ऊपर होगा ई होता है बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑन द स्फेरिकल शेल. और ये याद रखना है, ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम, ठीक है. और थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को बताऊंगा, व्हेन पी लाइज आउटसाइड, जब आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है ई होता है बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. जब पॉइंट पी बाहर था, जब पॉइंट पी बिल्कुल शेल के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, जब पॉइंट पी ऑन द स्फेरिकल शेल तब ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब पॉइंट पी लाइज आउटसाइड तब ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. आप देखो बेटा, इधर देख लीजिए बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. अगर मैं यहां पर इधर देख लीजिए, जब पॉइंट पी बाहर था, फिर पॉइंट पी ऑन द था, और फिर पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकल शेल. जब पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जीरो. इनसाइड के वक्त जब पॉइंट पी इनसाइड है तो आर होता है लेस देन कैपिटल आर, ठीक है. इधर देखो, जब पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो है, इसलिए ये ग्राफ आप लोगों को स्ट्रेट चलाना है इसके साथ. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो है तब तक जब तक आप लोग सेंटर से यहां पर लोगे पॉइंट, यहां पर लोगे पॉइंट, यहां पर लोगे पॉइंट, यहां पर लोगे पॉइंट और यहां पर, जब तक आप लोग
जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा रहेगा। यहां पर भी बना सकते हैं आप लोग, देख लीजिए बेटा, इधर देखो, दिस इज कैपिटल आर। इसका मतलब हो गया जब तक आप लोग स्फेरिकल शेल के अंदर पॉइंट लोगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी बेटा, जीरो। इसका मतलब जब तक आप लोग स्फेरिकल शेल के अंदर लोगे पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो है, मगर उस केस में आर होगा जरूर लेस देन कैपिटल आर। जब तक स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी बेटा, जीरो। क्योंकि व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर तो ये हो गया अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना रहेगा, जीरो। आप देखो, जब आर बनेगा कैपिटल आर के, जब स्मॉल आर बनेगा कैपिटल आर, इसका मतलब हो गया अब आप लोग पॉइंट पी को ले रहे हैं किस पर, ऑन द स्फेरिकल शेल। इन दिस केस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। अब देखो ये है बेटा, जब आप लोग स्मॉल आर किसके बराबर बना, ये बन गया स्मॉल आर इस वक्त कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। यहां से इधर तक स्मॉल आर है लेस देन कैपिटल आर, इस पॉइंट पर ओ है, ये ए पर बनेगा बेटा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक। जब स्मॉल आर बनता है कैपिटल आर, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी ऑन द स्फेरिकल शेल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये मैक्सिमम है। इधर देखो, ये ग्राफ चढ़ता है इस तरीके से, मैक्सिमम वैल्यू यहां तक लेना है आप लोगों ने, इसको बोलेंगे मैक्सिमम, ई मैक्स, ठीक है, ये हो गया ई मैक्स। अब सुनो, अब पॉइंट पी यहां से उठा के बाहर रख रहे हैं, पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, उस वक्त आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इससे ओ से ए तक लेस देन था, ए पर आर इज ग्रेट इक्वल टू आर, नाउ ए से आगे बढ़ेंगे तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आप सबको पता है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस इसके आगे बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इधर देखो इस रिलेशन की तरह, ये है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इसलिए जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जितना जितना पॉइंट पी दूर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होता जाएगा, जितना जितना पास आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ए पर मैक्सिमम होगा, ए पर ए से आगे चलोगे तो जीरो बनेगा। क्योंकि इधर देखो, जितना जितना आप लोग रेडियस बढ़ाते जाओगे आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम कम होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। इसका मतलब हो गया जितना पॉइंट पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम कम होता जाएगा, कम कम होता जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये यहां से ओ ए बी और सी, ये जो बी और सी का ग्राफ है ये तब वैलिड है जब आर इज ग्रेटर देन आर, पॉइंट पी लाई करता है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। जब पॉइंट पी लाई करता है ऑन द स्फेरिकल शेल तब ग्राफ है ए बी, जब पॉइंट पी लाई करता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है जीरो। ग्राफ अंडरस्टैंड करना, ग्राफ बेसिकली ऐसे ऐसे और ऐसे आता है, यहां से यहां तक पॉइंट पी लाई करता है इनसाइड, यहां से यहां तक पॉइंट लाई करता है
ऑन द स्फेरिकल शेल और यहां से यहां तक पॉइंट लाई करता है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। याद रखा बेटा, ये हो गया ग्राफ। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को अंडरस्टैंड करना। शाबाश बेटा, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। व्हेन द पॉइंट ची लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। जब पॉइंट पी लाई करेगा ऑन द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जब पॉइंट पी लाई करेगा इनसाइड द स्फेरिकल शेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा, इसलिए ग्राफ इसी के साथ साथ आएगा। याद रखा बेटा, दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इन द स्फेरिकल शेल ऑन द स्फेरिकल शेल। अंडरस्टैंड करिए, ये लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर फर्स्ट का। तो अब इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू होगा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस।